I've fallen in love with I love. I love you. They'll say, wow. अनुज पुत्र युधिष्ठिर के दूत को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। राजन, आप दीर्घायु हों, आपकी प्रजा सुखी और सुरक्षित रहे। हे राजन, पंचाल का ये राज पुरोहित आपकी सेवा में आपके अनुज पुत्र इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का प्रणाम और संदेश लाया है। यहाँ से लौटकर प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर को मेरा आशीर्वाद दीजिएगा। और अब ये बताइए कि आप ऐसा कौन सा संदेश लेकर आए हैं जिसे प्रिय युधिष्ठिर स्वयं ही आकर हमसे नहीं कह सकता था। उन्होंने आपके चरण स्पर्श के लिए आने की आज्ञा ही मांगी है नरेश, और कहलवाया है कि पण के अनुसार 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास वे पूरा कर चुके हैं। अब यदि उनके ज्येष्ठ पिताश्री आज्ञा दें तो आकर वे आशीर्वाद के साथ अपना राजमुकुट भी ले जाएं। कैसा राजमुकुट पुरोहित? उनके अज्ञातवास को स्वयं मैंने विराट में भंग कर दिया था और उसी के आनंद में युद्ध हार गया था। जाकर उनसे कह दो कि पण के अनुसार उन्हें हमारे कहे बिना ही 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था। पांडवों को दूत भेजते लाज तक नहीं आई। मेरे लिए क्या आज्ञा है राजन? मुझे विचार करने दीजिए कि मैं अपने प्रिय अनुज पुत्र युधिष्ठिर के लिए अपने आशीर्वाद के अतिरिक्त और क्या भेजूं। अज्ञातवास के विषय में कुछ उलझने हैं। कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि विराट युद्ध से पहले अज्ञातवास समाप्त हो गया था, और कुछ गणित शास्त्री ये कहते हैं कि समाप्त नहीं हुआ था। गंगा पुत्र भीष्म और कुलगुरु कृपाचार्य क्या कहते हैं? तुम होते कौन है प्रश्न करने वाले? तुम केवल दूत हो, और प्रश्न करना दूत की मर्यादा नहीं है। जो आयु और ज्ञान दोनों ही में तुमसे बड़ा हो, उसे तुम कहकर संबोधित करना भरत वंश के छोटों की मर्यादा नहीं है। पुत्र दुर्योधन, किसी दूत का अपमान करना किसी युवराज को शोभा नहीं देता। और कोई जब पिता से कुछ कह रहा हो तो पुत्र का बीच में बोल पड़ना पुत्र की असभ्यता सिद्ध करता है। इसलिए स्थान ग्रहण करो अपना। सभ्यता धरोहर में नहीं मिलती गंगा पुत्र। आप बड़े भाग्यशाली हैं राजपुरोहित कि आप एक ब्राह्मण भी हैं और दूत भी। यदि ना होते तो युवराज दुर्योधन का यू अपमान करने पर दंड पाते। जाइए और जाकर सम्राट युधिष्ठिर से कहिए कि वो अभी 12 बरस के वनवास पर चला जाए। उसके समाप्ति के पश्चात देखा जाएगा। यह बड़े आश्चर्य का विषय है राजन कि आपकी राजसभा में केवल आप ही नहीं बोलते, शेष सभी लोगों को बोलने का अधिकार है। मैं इंद्रप्रस्थ नरेश युधिष्ठिर की ओर से यह वचन देता हूं कि यदि गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा विदुर इनमें से कोई एक भी ये कह दे कि विराट युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन का सामना होने से पहले उनका अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ था, तो पांडव
12 वर्ष का वनवास फिर स्वीकार करेंगे। कुलगुरु कृपाचार्य, आपके उत्तर पर इसका आधार है कि शांति रहेगी या युद्ध होगा। चंद्र और सौर दोनों की गणनाएं ये कहती हैं कि पांडवों का अज्ञातवास विराट युद्ध में युवराज और कुंती पुत्र अर्जुन का सामना होने से पहले ही समाप्त हो चुका था। कुलगुरु, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। चंद्र और सौर गणनाएं कुछ भी कहती हो, परंतु मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन ये कहता हूं कि पांडवों का अज्ञातवास भंग हो चुका था, और जो मैं कहता हूं वही सत्य है। तो क्या मैं महाराज युधिष्ठिर के पास उनके संदेश के उत्तर में हस्तिनापुर का यही सत्य असत्य ले जाऊं महाराज? नहीं नहीं, आप प्रिय युधिष्ठिर से कहिएगा कि मैं शीघ्र ही अपने किसी दूत द्वारा अपना प्रस्ताव भेजूंगा। महाराज की जय हो। राज सारथी संजय उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ हाँ, बुलाओ। जो आज्ञा। आओ संजय। आपने तो मुझे प्रणाम करने का अवसर भी नहीं दिया महाराज। इन आडंबरों के लिए समय नहीं है संजय। समय तो मुट्ठी से रेत की भांति कण कण करके सरका जा रहा है, और तुम्हारे नरेश के पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना निहित स्वार्थ ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काल का हाथ धीरे धीरे मेरे मुकुट की ओर बढ़ रहा है, और मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं काल की कलाई को मोड़ दूं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं संजय कि नंगे सिर जीना मुझे आता नहीं है। नीति कुछ भी कहे, यह सिंहासन मेरा है। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं, और इस पर मेरे उपरांत मेरे पुत्र दुर्योधन को बैठना चाहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है, और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे, एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए युद्ध हमारे हित में नहीं है संजय, युद्ध हमारे हित में नहीं है। तो मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दूत बनकर उपवलव्य जाओ, और अनुज पुत्रों से कहो कि मेरा यही आशीर्वाद है कि वे जहां हैं सुखी रहें। दुर्योधन की हठधर्मी के अतिरिक्त यहां कोई उनका विरोधी नहीं है, और यंग राजकर्ण उसकी इस हठधर्मी की अग्नि को हवा देता रहता है। गंधार नरेश उसे उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। दुशासन तो उसका भक्त है, उसकी हां में हां मिलाता रहता है। और स्वयं मैं पुत्र मोह का रोगी हूं, उसकी हठें पूरी करता रहता हूं, परंतु वह पांडवों को युद्ध में हराना चाहता है। मैं उसकी यह हठ कैसे पूरी करूं? त्रिलोक में ऐसा कौन पराक्रमी है जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को ललकार सके? सुनता हूं कि अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं है।
और फिर सबसे कठिन समस्या तो ये है संजय कि वे सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कृपा छाया में है। मैं बहुत डरा हुआ हूं संजय, बहुत डरा हुआ हूं। वे अपने वाणों की दिशा मेरी ओर तो नहीं करेंगे क्योंकि वे मर्यादा पुरुष हैं, किंतु मेरे दुर्योधन का क्या होगा? कोई कवच अर्जुन के वाणों को तो नहीं रोक सकता। फिर ये भी तो सत्य ही है संजय कि मेरी ही राज्यसभा में मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरी ही कुलवधु के वस्त्र हरण का आदेश दिया था। मेरे पुत्र दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था और फिर ये भी असत्य नहीं है संजय कि कर्ण ने मेरी कुलवधु द्रौपदी को वेश्या कहा था। मैंने उसे दंड देना तो दूर, अपने कान तक बंद नहीं किए थे। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूं कि पुत्रों भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। और जिस दिन अर्जुन ने विराट में उस हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था जिसमें स्वयं ताश्री थे, आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, उसी दिन मेरी नेत्रहीन आंखों ने वो सपना देखना भी छोड़ दिया था कि मेरा पुत्र दुर्योधन पांडु पुत्रों को युद्ध में हरा सकता है। तो संधि के अतिरिक्त और रह क्या जाता है? परंतु दुर्योधन ये नहीं समझेगा और यदि वो समझने का प्रयत्न भी करे तो गंधार नरेश और अंगराज कर्ण जैसे व्यक्ति उसे समझने नहीं देंगे। इसलिए हे संजय, रथ लो और उपलब्ध जाओ और युधिष्ठिर को समझाओ। पांडवों में वही एक ऐसा है जो अपने क्रोध को जीत चुका है। उससे कहो कि उसका ज्येष्ठ पिता युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। उसे विश्वास दिलाओ और यदि तुम उसे यह विश्वास दिला पाए तो हस्तिनापुर राज्य और अपने नरेश पर तुम्हारा उपकार होगा। जो आज्ञा महाराज, परंतु उपकार की बात न कीजिए। यह संजय क्या उपकार करेगा हस्तिनापुर और उसके नरेश पर? मैं तो स्वयं आपकी अनुकंपा का ऋणी हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और सफल होकर लौटो।